देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। 18 जुलाई को होगा मतदान। 21 जुलाई को की जाएगी मतगणना। बीजेपी किसे बनाएगी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार। किस आधार पर तय होगा नाम। देश में इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। देश के 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम नोटिफिकेशन 15 जून। नामांकन का अंतिम दिन 29 जून। नामांकन की जांच 30 जून। नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन 2 जुलाई। मतदान 18 जुलाई। मतगणना 21 जुलाई। बता दें कि हर 5 साल पर 25 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिलता है। यह सिलसिला 1977 से चला आ रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि इस चुनाव में कितने सांसद इस बार हिस्सा लेंगे। कुल 776 सांसद लेंगे वोटिंग में हिस्सा। वोटर को अपनी पसंद कैंडिडेट के सामने 1, 2, 3 लिखकर बताना होगा। कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी नहीं करेगा। संसद भवन और राज्य की विधानसभाओं में होगी वोटिंग। सांसद संसद भवन नई दिल्ली में वोट करेंगे। विधानसभा के सदस्य अपनी विधानसभा में वोट करेंगे। देश के राज्यों के सभी विधायकों के वोट का वैल्यू 5,43,231 है। लोकसभा के सांसदों का कुल वैल्यू 5,43,200 है। कुल वोटर्स की संख्या 4,809। बहरहाल चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब इस बार बीजेपी किस चेहरे पर अपना दांव लगाएगी, इसको लेकर भी मंथन शुरू हो गया है। साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस बार बीजेपी का क्या आधार होगा अपने उम्मीदवार को लेकर। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों पदों के लिए एक पर उत्तर तो दूसरे पर दक्षिण भारत का चेहरा उतार सकता है। ऐसा करके उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सियासी गणित को साधा जा सकता है। बहरहाल चुनाव आयोग के ऐलान के बाद अब लोगों को इंतजार है उस नए चेहरे का जिसे राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लाइव लगातार के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।